तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नहीं दो नहीं तीन तीन सैंडविचेस की रेसिपीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि, रश्मि फूड मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूं सैंडविचेस। तो इसके लिए मैंने यहां पर व्हाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो मल्टीग्रेन या आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी क्रस्ट, आप चाहें तो क्रस्टलेस ब्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि तो बच्चे अक्सर क्रस्टलेस ब्रेड के सैंडविचेस ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही बना दें तो बाद में वो बीच का पोर्शन कट कर लेते हैं और ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अच्छा है कि हम क्रस्ट को निकाल ही दें। तो मैं सारी क्रस्ट को निकाल दे रही हूं, तो एक चाकू सहायता से मैं सभी क्रस्ट को निकाल दे रही हूँ। तो ये देखिए क्रस्ट निकल चुकी है, हमारी ब्रेड रेडी हो गई है एकदम सैंडविच के लिए। तो आज मैं तीन तरीके के सैंडविच शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमें अक्सर प्रॉब्लम होती है लंच बॉक्स पैक करने में। हम सोचते हैं क्या दें जो बच्चों का पेट भी भर जाए और वो अच्छे से लंच फिनिश करके भी आए। तो ये देखिए क्रस्ट निकाली है, इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आई बटन पर क्लिक करके आप रेसिपी को देख सकते हैं। तो ये आप कभी मत फेंकिए, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तीन पेयर बना लिए हैं। अब एक खाली बोल ले लिया है, अब इसमें मैंने ले ली है कटी हुई सब्जियों में। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं, जैसे खीरा है इसमें और प्याज है और कॉर्न है। कॉर्न को पहले ही मैंने हल्का सा बॉयल करके रख लिया है, इसमें आप चाहें तो आप छोटा छोटा गाजर भी कट कर डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को ले लिया है, तो ये सभी चीज बहुत हेल्दी है। आप बच्चों को ऐसे लंच बॉक्स बनाकर देंगे तो वो सच में ये जरूर से खाना चाहेंगे। और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे एकदम थोड़ा सा नमक। तो ये सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है, आप फटाफट सुबह कुछ ही मिनट में इसको बना सकते हैं। इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है ब्लैक पेपर, तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं रखना है, ब्लैक पेपर से ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा ही डाल दिया है। अब हम फाइनली इसमें लेंगे, ये देखिए मेयोनीज है, वेज मेयोनीज है। इसमें भी कई सारे फ्लेवर आते हैं, यहाँ पर मैं तंदूरी मेयोनीज का यूज़ कर रही हूँ। इसको दो चम्मच ले लेना है। अब अच्छी तरीके से हमें सभी सब्जियों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और कुछ भी नहीं डालना है, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। सुबह इतनी भागदौड़ रहती है, इस तरीके से आप बनाकर इसको लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में भी इसको अपने लिए बना सकते हैं। तो मिक्सचर रेडी हो गया है, अब हमें ब्रेड पर इसको लगाना है, अच्छी तरीके से फैला देना है। अब जो मिक्सचर बना के रखा था उसको ब्रेड के एक साइज पर अच्छी तरीके से फैला देंगे, सभी कोने कोने में अच्छे से फिलिंग कर देंगे। अब दूसरी स्लाइस से इसको ऐसे कवर कर देंगे। तो ये हमारा एक सैंडविच बनकर रेडी हो गया है, इसको रख देते हैं एक साइड में। अब चलते हैं दूसरे सैंडविच की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस ले ली है ब्रेड की। अब इसके ऊपर हम यूज़ करने वाले हैं शेजवान की चटनी, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। तो चटनी ले ली है, अब इसको अच्छे से पूरी स्लाइस पर फैला देंगे सभी साइड्स को कवर करते हुए। तो इस तरीके से जब हम सैंडविच बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बनते हैं और खाने में तो पूछिए ही मत कितने टेस्ट लगते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी ले जा सकते हैं, फटाफट बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में भी दे सकते हैं। ऊपर से हम लगा देंगे शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च की पतली पतली स्लाइस कट कर ली है, इसको ऊपर से लगा देते हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हल्का सा नमक। नमक डालने से क्या होता है कि शिमला मिर्च हमारी स्टीम बनकर अच्छे से गल जाती है। तो हल्का सा नमक चारों तरफ फैला दिया है, थोड़े से डाल देंगे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके ऊपर से हम लगा देंगे टमाटर की पतली पतली स्लाइसेस कट करके रख ली थी, उसको फैला देंगे। अब बिना चीज़ के सैंडविच कैसे
से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैंने चीज़ की स्लाइस ले ली है, इसको अच्छे से लगा देंगे, ऊपर से हम कवर कर देंगे दूसरी बिट की स्लाइस से। इसको बनाना भी बहुत आसान है, इसको रख देते हैं एक साइड में। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सैंडविच की तरफ। तो यहाँ पर मैंने घर की मलाई ले ली है, तो दूध को गर्म करके फ्रिज में रख दिया था, जो ऊपर मलाई निकलती है उसको निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया बारीक कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, सभी कुछ ले लिया है। इसको डाल देंगे मलाई में, ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसमें डाल देंगे नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च और मलाई बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपने अभी तक इस तरीके से बनाकर नहीं ट्राई किया है तो फ्रेंड्स, मेरे कहने पर आप एक बार मलाई सैंडविच बनाकर ज़रूर बच्चों को दीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएगा। और आप भी खाकर देखिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। अब क्या करना है, मलाई वाला जो हमने बना के रखा है पीस, इसको अच्छी तरीके से ब्रेड पर फैला देना है चारों तरफ अच्छी तरीके से। ये देखिए मैंने फैला दिया है, सभी कॉर्नर्स पर अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको दूसरी ब्रेड से हम कवर कर देंगे जिससे कि ये हमें सीखने में इजी हो जाए। तो बस इसको रख देते हैं एक साइड में। ठीक ऐसे ही मैं दूसरी भी बना लूँगी। तो दूसरी ब्रेड मैंने क्रस वाली ली है, इस पर भी मलाई वाले पेस्ट को अच्छी तरीके से फैला दिया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है अमूल का बटर, आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी सेक सकते हैं। तो बस अब पैन को चढ़ा देना है, पैन अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अमूल वाला बटर, तो आप चाहें तो बटर की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। हम चाहें तो अच्छे तरीके से फैला देंगे जैसे कि हमारे सैंडविच के ऊपर चिपके नहीं। आप चाहें तो इसको सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, बनाना बहुत ही आसान। जब हम बटर में सैंडविचेस सेकते हैं तो उनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, लेकिन आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी सेक सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सैंडविच, इसको अच्छे से रख देंगे। आपके पास अगर सैंडविच मेकर है तो आप उसमें भी इसको सेक सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रोसेस से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर पैन का यूज़ किया है। आप चाहे तो तवे पे भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच मेकर में भी इसको सेक सकते हैं। दोनों हाथों से पलट दिया है, ये देखिए कलर भी आ गया है, तो क्रिस्पी होने तक इसको हम सेक लेंगे। तो हल्का सा फ्लेम को लो रखकर ही हम इसको सेकते हैं जिससे कि ब्रेड हमारी क्रिस्पी हो जाए, और खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो दोनों साइड अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो है ना बनाना कितना आसान। तो इस तरीके से अब आप भी लंच बॉक्स में बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, उनको ये बहुत पसंद आएंगे। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा जिससे कि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हूँ एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।